दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक और हिमाचल से लेकर कश्मीर तक सर्दी जबरदस्त है। कड़ाके की इस सर्दी से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कहीं अलाव का सहारा लिया जा रहा है तो कहीं गर्म चाय पी जा रही है। कड़ाके की ठंड के बीच भगवान को भी सर्दी से बचाया जा रहा है। एक्चुअली बात हो रही है कृष्ण नगरी मथुरा की, जहां बांके बिहारी को इस कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाए गए, मेवा और केसर का प्रसाद चढ़ाया गया और चांदी की अंगीठी में अलाव सुलगाया गया। भक्त भी इस सर्द मौसम में बांके बिहारी को गर्म कपड़े चढ़ा रहे हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। मथुरा में रात के समय पारा 5 से 10 डिग्री तक पहुंच रहा है। यहां इंसान के साथ भगवान को भी ठंड लग रही है, इसीलिए शीतलहर का असर मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है। यहां भगवान को ठंड ना लगे इसके लिए भक्त अपने आराध्य को बचाने की हर जुगत कर रहे हैं। वृंदावन में स्थित प्रसिद्ध राधा वल्लभ मंदिर में ठंड से भगवान को बचाने के लिए गर्म वस्त्र धारण कराए गए हैं। भगवान राधा वल्लभ लाल को हाथों में ग्लव्स, पैरों में मोजे पहना दिए गए हैं तो रजाई भी उढ़ाई जा रही है। यही नहीं, भगवान के सामने मंदिर के पुजारियों ने चांदी की अंगीठी रखकर कच्चे कोयले में आग जला कर रखी है ताकि उन्हें गर्मी मिले। शीत ऋतु जब शुरू हो जाती है तब सर्दी शुरू होने लगती है। उस समय पे ठाकुर जी को वगैरह तो गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, हाथों में ग्लव्स आते हैं, पीछे पैरों में मोजे आते हैं। सर्दी और बढ़ती है जब आगे तो आगे अंगीठी रखी जाती है, पर सर्दी और बढ़ती है कोहरा ज्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। उस समय पे जब सर्दी उसमें आपका खिचड़ी उत्सव शुरू हो जाता है। यहाँ पे खिचड़ी का उत्सव होता है सर्दियों में, एक महीना चलता है वो उत्सव। भगवान को सर्दी से बचाने के लिए मेवा और केसर से बने प्रसाद को भी अर्पित किया जा रहा है। दरअसल ये भक्तों का भाव है कि जैसे उनको सर्दी लगती है वैसे ही उनके आराध्य को भी ठंड लगती होगी। यही वजह है कि भक्ति भाव के अनुरूप अपने आराध्य को सर्दी से बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।